जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हाफिज़ शाहिद नियाज़ी हूँ। और ये हमारे इलाके में ये बंदा जो है ना यहाँ पे गुब्बारे बेचता था, ठीक है, और बच्चों को आज इसको ना रंगे हाथों मालेदारों ने, उसके बाप ने पकड़ा है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो भैया आप? मैं घोड़े शाह का। पीछे कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पे रहते हो, पीछे कौन सी जगह पे रहते हो? नीवी रोड की जंबाला। हाँ जी, नीवी रोड की नीवा नेवी ग्राउंड की जंबाला। अच्छा, नेवी ग्राउंड। हाँ जी। अब वो कहाँ पे है? पीआर स्कूल। अच्छा, शादीशुदा हो आप? कुवारा हूँ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम खालिद है। हाँ जी, खालिद है। खालिद है, ये देखें जी कितने बच्चे अब तक उठा चुके हो आप? सही सही बयान देना। एक आप कितने बच्चे उठा चुके हो अब तक? पाँच। हाँ, पाँच बच्चे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ ये पाँच बच्चे कहाँ पे बेचे हैं फिर आपने? मैंने कहाँ बेचे हैं? मोटरसाइकिल वाले आते हैं लेके जाते। वो कौन है? वो आपके गुरुओं का गुसर गुना होगा ना, जिसको आप बच्चे बेचते हो, ऐसे ही है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने कितने में बेचे हैं बच्चे? वो बेचते रहे हैं, पता है कितने? नहीं, आप कितने एक बच्चे की कितनी पेमेंट लेते रहे हो? 5,000 रुपया। देखें जी, ये दरिंदा जो है ये 5,000 में किसी का लखते जिगर, ठीक है, जिसको एक छोटे से बच्चे को बंदा पाल के, तो मेरे कहने का मकसद है उसको बड़ा करता है, उसके ऊपर अपना खून पसीना सारी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए वक्फ करता है, और ये वो दरिंदा है जो बच्चों को उठा के 5,000 में फुरहत करता है। हाँ, ये देखें। अच्छा, नाम क्या था तुम्हारा? मेरा नाम खालिद है। तुम गुब्बारे बेचते हो? अच्छा, कुछ दिन पहले वहाँ पे आप गली से गुजर रहे थे, मैंने आपको एक दिन 50 रुपये दिए, 100 रुपया भी दिया, इसलिए दिया आपको कि आप एक गरीब आदमी हो, शरीफ आदमी हो, मजदूरी कर रहे हो, यहाँ से गुजर रहे हो, ऐसे ही बात है ना। हाँ, तो फिर आप ऐसे क्यों काम करते हो? आपको पता नहीं है किसी का लखते जिगर है, उसको लेके जाते हो उसके साथ, फिर आप ये तो आप कह रहे हो ना कि मैं बच्चों को बेचता हूँ, पता नहीं आप क्या क्या करते हो बच्चों के साथ। अब तक 5 बच्चे सिर्फ आपने गायब किए हैं। अच्छा, उन वो जो बंदे हैं जो आपके ग्रोह में शामिल हैं, उनका नाम क्या है? दीमा परचून वाला। दीमा परचून वाला। परचून वाला कहाँ का रहने वाला? वो घोड़े शाह दरबार के पास। घोड़े शाह दरबार के पास, ठीक है। ये खातमे अल्लाह हमारी आपके आगे दरख्वास्त है, ठीक है, कि इस बंदे को सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको ऐसी इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि इसको पता चले कि मैं किसी का लखते जिगर जो है उसको कैसे लेके जाता हूँ, और उसके साथ मैं क्या करता हूँ। ये हमारा जो है ना